और जैसे धर्मेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को सही गाइडेंस मिले, मोटिवेशन मिले, मेहनती बहुत होते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, लेकिन दिक्कत ये आती है कि सही गाइडेंस नहीं मिल पाता उनको। तो जो प्रॉपर जो एक ढांचागत जो कोचिंग संस्थान है ये कहीं ना कहीं बच्चों को मिसगाइड कर देते हैं। तो आप ट्रेडिशनल कोचिंग के बजाय सेल्फ स्टडी और जैसे धर्मेंद्र जी के गाइडेंस में करें तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मेरे खुद के जीएस में 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट था और उसका मैं पूरा क्रेडिट आज भी इनको देता हूं। सभी को नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पवन जी। आप पवन जी को बहुत पहले से जानते हो, अपने चैनल से पवन जी पहले जुड़े हुए हैं और सबसे अच्छी खुशी की बात है कि पवन जी ने हाल ही में दानिक्स जो सेवा है अपनी यूपीसी के थ्रू जो मिलती है दिल्ली में ज्वाइन की है और अभी इनकी जो ट्रेनिंग चल रही है अभी आपको लग भी रहेंगे पवन जी बहुत ज्यादा स्मार्ट और खुश भी लग रहे हैं। तो आज के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि इनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है और साथ में आपको गाइड भी करेंगे और इनसे एक दो, जैसे आज हमारा क्या बना प्लान कि अपने YouTube चैनल से जुड़े बहुत सारे एस्पिरेंट है जो आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, विशेषकर हिंदी माध्यम के बहुत सारे एस्पिरेंट है, उनको गाइड करने के लिए आज पवन जी हमारे साथ में है और जो एस्पिरेंट उनको अच्छे से गाइड कर रहे हैं क्योंकि पवन जी का इंटरव्यू को लेकर अच्छा खासा अनुभव है। इनके हमेशा इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं, मैंने भी हमेशा इनसे इंटरव्यू को लेकर गाइडेंस लिया है तो इनका बच्चों को साथ जो कम्युनिकेशन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, इनसे फायदा भी मिलने वाला है। तो पवन जी आपका स्वागत है। थैंक यू धर्मेंद्र जी। तो पवन जी आपकी अभी मतलब जैसे दानिश में ट्रेनिंग हो रही है तो सबसे पहले इस सेवा के बारे में आप बताइए। ये जो है अभी ट्रेनिंग चल रही है UTCS, जो डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग यूनियन टेरिटरीज सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो अभी लास्ट वीक 26 दिसंबर को ज्वाइन किया है और ट्रेनिंग शेड्यूल वहीं अकेडमी में रेजिडेंस रहता है, वहीं पे ही हमें रहना होता है। हाँ। और सारी फैसिलिटीज वहीं पे ही है। हाँ। वहीं पे ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, आप कुछ भी खेलना चाहो। हाँ। टीटी से लेके वॉलीबॉल, बैडमिंटन, सारी चीजें, जिम भी वहाँ पे है और फुली फर्निश्ड ऐसी रूम्स मिले हुए हैं। हाँ। और एकदम ऐसे मतलब बहुत ही जितना गवर्नमेंट अपनी तरफ से बेस्ट कर सकती है उतना। हाँ। ट्रेनिंग पे खर्च कर रही है और जो हमारी सर्विसेज है वो कहीं ना कहीं जो यूटीज है जैसे। हाँ। दिल्ली, मैक्सिमम पार्ट तो दिल्ली में रहेगा, दिल्ली के अलावा अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली वगैरह। हाँ। यहाँ पर जाते हैं और शेड्यूल ऐसा है कि आप आराम से कभी भी मतलब ज्यादा वैसे हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता, लीनियंट रहते हैं और हमें लगातार सपोर्ट करते हैं हमारा जो ट्रेनिंग स्टाफ है वो। और अभी महीने भर की क्लास है, उसके बाद अर्बन अटैचमेंट होगा। हाँ हाँ। उसमें जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं तो वहाँ पर उनकी वर्किंग को हम जानेंगे, वहाँ पर हमारी ऐसे पोस्टिंग होगी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि हम दिल्ली में रहेंगे, ये कैपिटल सिटी है इंडिया की। तो जो हमारे बच्चों की एजुकेशन से लेके जो भी दिल्ली ऐसा है कि जो भी हमारे एक्सपेक्टेशन होती है तो हम उनको पूरा कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी ड्रीम्स है उसको पूरा कर सकते हैं। और जैसे आपने मुखर्जी नगर में काफी समय बिताया है यहाँ पे एज ए स्टूडेंट, आपका एक लंबा संघर्ष यहाँ पे रहा है और मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे मुखर्जी नगर आए हो तो आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हो। जैसे मुखर्जी नगर में आप काफी रहे हो, आपने काफी यहाँ पे समय देखा है, अपने डाउन और अपस डाउन आपने यहाँ पे देखे हैं, एक स्टूडेंट के रूप में आपने यहाँ पे बहुत एक लंबा संघर्ष देखा है। तो आज आप उसी शहर में आकर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो और कल को यहीं पे आप अपनी जॉब करने वाला, तो कैसा महसूस कर रहे हो इस चीज को लेकर? एक दिल्ली में जो भी एस्पिरेंट है तो अपने जीवन का एक सबसे प्रोडक्टिव और बेस्ट कीमती साल टाइम होता है, हम यहाँ स्पेंड करते हैं हमारी जो एक बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स लेके आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बड़ा सपना लेके आया था और अब फाइनली वो सपना पूरा हो गया। तो अभी आ ही रहा था तो नीचे एक कोई आदमी मिल गया था, तो मेरे फ्रेंड का यहीं पास में रूम था, तो आज 9-10 साल हो गए तो देखा यार मतलब वही चीजें वापस आ गई कि यार यहाँ हम इस रूम में बैठ के यहाँ पर पढ़ते थे सारे चीजें। तो मतलब इससे एक दो तीन चीजें फील हुई, एक तो कि लाइफ बहुत टेम्परेरी है, मोमेंट्स है, हम इतने साल बीत गए पता ही नहीं चला। और दूसरा ये है कि अब एक डिफरेंट रोल में आ रहे हैं तो एक जब एस्पिरेंट को देखता हूँ तो मुझे उसके वो दिन याद आ जाते हैं कि यार उस टाइम कितना अनसर्टेनिटी थी, पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे परेशान सा मैं रहता था और आज सब कुछ कर मतलब जो मेरा ड्रीम था वो मुझे अचीव हो गया, तो एक प्राउड भी फील होता है, सेंस ऑफ प्राउड की हाँ यार मतलब अब एक मजा आता है उनसे मिलने में। हाँ। तो ये तो हम समझ सकते हैं क्योंकि मैं भी खुद भी काफी यहाँ मुखर्जी नगर में रहा हूँ और आज एक अच्छा मौका था कि जो अपने साथी हैं जो काफी एस्पिरेंटेशन लंबे स्ट्रगल के बाद में आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं तो इनका इंट्रेक्शन कराना बहुत जरूरी था। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो अगले साल आईएएस का इंटरव्यू देंगे तो ऐसे ही मतलब गाइडेंस पवन जी का हमारे साथ मिलता रहेगा
आशा करते हैं इनके साथ मतलब हम हमेशा जुड़े रहें, ये भी हमें हमेशा ऐसे ही गाइड करते रहें। तो आप अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहते हो तो बता सकते हो। कुछ मैसेज है मेरा एक हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ, क्योंकि अभी मेरा कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी और मेरा भाई है वो छोटा भाई काफी परेशान था वो, तो मैंने उसको सजेस्ट किया था कि तू घर मत बैठ, वो एक डिप्रेशन से जूझ रहा था। तो तू कुछ कर, तो उसने क्या किया कि एक कहीं पढ़ाना चालू किया। मैंने कहा तू पढ़ा है ना, बच्चों से इंटरेक्शन करेगा तो तू इस जो डिप्रेशन या इससे रिकवर जल्दी होगा। तो उसने कोचिंग पढ़ाना चालू किया, इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चालू किया, और फिर उसने हिंदी मीडियम में कोचिंग वालों अच्छा पढ़ा रहा था, तो कोचिंग वालों ने रिक्वेस्ट की हिंदी मीडियम में भी आप पढ़ाओ। तो वो मेरे को बता रहा था भाई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बच्चों में बहुत डिफरेंस है। तब मुझे फील हुआ कि यार मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्वेश्चन करते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, उनका इतना डेवलपमेंट होता है, और हिंदी मीडियम बच्चे बेचारे पैसिव होके सुनते हैं गुरु भक्ति ये सारी चीजें, और ये कहीं ना कहीं जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक भी वही चीजें आती है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने भाई देख हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो एक हमारे गांव में कुछ बहुत वीकर सेक्शन है, तो मैंने उनका एग्जांपल देके बताया कि जो डेली दारू पीते हैं उनके बच्चे होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं ऐसे, तो ये बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम में, ऐसे बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम में बच्चे हैं प्रिविलेज लोगों के बच्चे जिनका पेरेंट्स का पूरा फोकस रहता है, तो ये हम कहीं ना कहीं कैरी करते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके साथ हमारे रिजल्ट में भी, यूपीएससी के रिजल्ट में भी आप देखते हो कि 95% तक तो इंग्लिश मीडियम है, बाकी 5% हिंदी ओरिजिनल मीडियम लैंग्वेज है। तो मैं धर्मेंद्र जी इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जो हिंदी मीडियम के जो वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं तो उनको सिविल सर्विसेज तक, उनका भी एक ड्रीम है कि भाई वो पूरा करें सिविल सर्विसेज तक, एक इंस्पिरेशन बने। अब जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे पता है कि बहुत लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिली है कि यार हिंदी मीडियम में इससे भी सिलेक्शन हो सकता है, और जैसे धर्मेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ, और मैं भी इसलिए बार बार इंटरेक्शन करता हूँ कि बच्चों को सही गाइडेंस मिले, मोटिवेशन मिले। मेहनती बहुत होते हिंदी मीडियम के बच्चे, लेकिन दिक्कत ये आती है कि सही गाइडेंस नहीं मिल पाता उनको। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में, जैसे मैं देख रहा हूँ कि एक दो साल में बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, और हिंदी मीडियम के बच्चों को 4-5 साल बाद तो चीजें समझ में आने लग जाती है, 4-5 साल बाद उनको कहीं ना कहीं प्री सिलेक्शन हुआ, मेंस पास हुआ ऐसे। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, भगवान ने तो सबको कैलिबर बराबर दिया, इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर जो एक ढांचा का जो कोचिंग संस्थान है ये कहीं ना कहीं बच्चों को मिसगाइड कर देते हैं, और इस वजह से वो क्या करते हैं कि 4-5 साल उनके खराब हो जाते हैं, उसके बाद चीजें सही होती है। तो आप ट्रेडिशनल कोचिंग के बजाय सेल्फ स्टडी और जैसे धर्मेंद्र जी के गाइडेंस में करें तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मेरे खुद के जीएस में 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट था, और उसका मैं पूरा क्रेडिट आज भी इनको देता हूँ कि वो उन्हीं की वजह से ही हुआ सब कुछ। ठीक है, 100 मार्क्स इंप्रूवमेंट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था कोचिंग वालों के इनके नोट्स नाट्स पढ़ना लिखना, लेकिन इनके आउटडेटेड नोट्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई आपको टाइम टाइम पे आऊं और कुछ चीजें कुछ बुक्स वगैरह कुछ लिखूं, ताकि उससे हमारे जो भाई बंधु है उनको भी हेल्प मिले। और YouTube पे भी इसलिए मैं सोच रहा हूँ, एक चैनल भी बनाया है मैंने, थोड़ी बहुत मेहनत की है कि बच्चों को सही गाइड करूँ। अगर टीचर का काम क्या होता है यूपीएससी में या सिविल सर्विसेज एग्जाम में कि वो बच्चों को मार्क दिखा ले, बेटा इधर जाना है तुम्हें, ठीक है, टीचर को नहीं है कि उंगली पकड़ के ले जाए। और ये मार्क दिखाने में भी यहाँ पर इतना दिल्ली में भ्रम है कि कोई किधर बता देता है, कोई किधर कोई किधर किधर। तो इसलिए मेरा जो सिलेक्शन की जर्नी है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा शेयर करूं उस चैनल पे, जिससे कि जो भी हार्डवर्किंग पर्सन है उनका सिलेक्शन हो। और जो पवन जी ने चैनल बनाया आप लोगों के लिए, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ से क्या होगा, जैसे अभी प्रीलिम्स पास में आ रहा है, तो पवन जी का आप जानते हो कि 9 बार प्रीलिम्स निकला है, इनका एक अच्छा खासा मतलब अनुभव है, इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता कि प्री की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो पवन जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और नीचे लिंक एक बार देखना। तो मिलते हैं ऐसे ही गाइडेंस के साथ में और अन्य वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।